क्वेश्चन इज फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज, यानी कि पृथ्वी पर जो है पहली लाइफ किस प्रकार की थी। ऑप्शन दिए गए हैं, साइनोबैक्टीरिया थे सबसे पहले आने वाले, या कीमो हेटेरोट्रॉप्स थे, या ऑटोट्रॉप्स थे, या फोटोट्रॉप्स थे। ये हमारे पास में ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ, धरती के ऊपर पहला जीवन किसका था। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, एक नज़र डालें, तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया है ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, यानी कि खुद प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। स्वपोषी, ये खुद से अपना भोजन बना सकता है। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया हमारा कि ये खुद से अपना भोजन बना सकता है। तो उस जमाने में जब धरती के ऊपर कुछ भी नहीं था, ना ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन भी नहीं थी, ठीक है ना, जब ऑक्सीजन ही नहीं थी तो ये भोजन कैसे बनाएगा। ठीक है ना, सनलाइट तो थी, ऑक्सीजन नहीं थी, क्लोरोप्लास्ट जैसी स्ट्रक्चर बनी नहीं थी, क्लोरोप्लास्ट उस समय था नहीं जब धरती बन रही थी। तो उस समय हॉट वाटर था, जिसको जिसके अंदर कुछ प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर निर्मित हुए, जिसको हमने बोला था कोएजरबेट। क्या बोला था, कोएजरबेट्स। ठीक है, ये जो कोएजरबेट थे, ये गर्म सूप के अंदर, मतलब जो हॉट वाटर था उस हॉट वाटर के अंदर अवेलेबल थे। किसके अंदर थे अवेलेबल, हॉट वाटर के अंदर। ठीक है, कोएजरबेट्स। तो ये जो कोएजरबेट थे, इन कोएजरबेट से आगे चलकर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो साइनोबैक्टीरिया, उस साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। यानी कि ये कैसा जीव हो गया, ऑटोट्रॉफिक हो गया, ऑटोट्रॉफिक हो गया। तो हमें पता है कि साइनोबैक्टीरिया उस समय नहीं मिलते थे। ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया धरती के ऊपर नहीं थे। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर, कीमो हेटेरोट्रोप। ठीक है, विषम प्रकाश विषम रसायन संश्लेषी जीव। तो ये ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि उस समय जो भी जीव थे वो कैसे थे, कीमो हेटरोट्रॉप्स थे। वो क्या करते थे, जो एनवायरनमेंट के अंदर जो केमिकल थे, उन केमिकल का उपयोग करके एनर्जी का फॉर्मेशन करना उन्होंने स्टार्ट किया था। जैसे कि हम कह सकते हैं, हमारे जो कि एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, क्या होते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स। ये जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशन पर केमिकल का उपयोग करके, किसका उपयोग करके, केमिकल का उपयोग करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। जबकि जो साइनोबैक्टीरिया होता है, वो प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश के द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। जबकि ये एक्सट्रीमोफाइल्स जो होते हैं, वो केमिकल का यूटिलाइजेशन करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया आज के ज़माने में पाए जाते हैं, हमारे सल्फर बैक्टीरिया, तो ये सल्फर का यूटिलाइजेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कीमो हेटरोट्रॉफ्स। तो उस ज़माने में इस तरह के बैक्टीरिया हुआ करते थे। ऑटोट्रॉफ्स जो है, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि जो हमारा साइनो बैक्टीरिया है वो भी क्या है, एक प्रकार का ऑटोट्रॉफ्स है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्लांट्स। ठीक है ना, प्लांट्स। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, सन एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब जो एटीपी या कार्बोहाइड्रेट है उसका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से इस तरह की कोई भी लाइफ जो है धरती के ऊपर नहीं थी शुरुआत में। शुरुआत में जो बैक्टीरिया थे, या जिस प्रकार के भी ऑर्गेनिज्म थे, वो कहते थे कीमो हेटेरोट्रॉप्स हुआ करते थे। न तो वो ऑटोट्रॉप्स थे, न वो फोटो ऑटोट्रॉप्स थे, न ही वो साइनोबैक्टीरिया थे। तो कौन से थे, कीमो हेटेरोट्रॉप्स थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सही आंसर बी।